नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी फलकनाथ चैनल पर। तो चलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं हमेशा ही देती रहती हूँ, जैसे कि हेयर रिलेटेड हो या फिर स्किन रिलेटेड हो। लेकिन आज जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के लिए, वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। तो अभी जो ट्रेंड है वो फैशन के ट्रेंड है, फैशन के जगत में आजकल हेयर स्टाइलिंग करना हर कोई को पसंद है और हर लोग चाहते हैं स्मूथनिंग हेयर, कलर हेयर, रिबॉन्डिंग करना, कैरेटिन करना, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन हाँ, उसके करने के बाद क्या, उसके बाद क्या प्रोसेस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो हमने स्मूथनिंग करने के बाद जो शाइनिंग बनाया हेयर में, या फिर केराटिन के बाद, या फिर किसी भी प्रोटीन ट्रीटमेंट के बाद में जो हमारे हेयर की शाइनिंग है वो रेगुलर बेसिस पे वैसे ही बनी रहे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी ही बेसिस पे है कि स्मूथनिंग हेयर, रिबॉन्डिंग हेयर, केराटिन ट्रीटमेंट हेयर वाले हेयर को हम कैसे फर्दर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हमने कलर कराया है तो उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इवन शाइनिंग बनाए रख सकते हैं। जैसे कि इनके हेयर में इन्होंने पहले केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, फिर कलर भी करवाया, हाईलाइट भी करवाया, और इनके ग्रे हेयर होते हैं तो जिसकी वजह से इन्हें रेगुलर बेसिस पे कलर करना पड़ता है, रूट टच करना पड़े या फिर हाईलाइट करना, तो वो तो फैशन है, ट्रेंड है, वो तो हमें करना ही है। तो इस हेयर को हम कैसे मेंटेन करेंगे और इसमें शाइनिंग हम कैसे बनाए रख सकते हैं, तो आज की वीडियो में चलिए मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ऐसे ही कुछ न्यू क्रिएटिविटी करने जा रही हूँ इनके हेयर में करने जा रही हूँ, और आप इसे पूरी तरीके से देखना और बताना रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं जो आज आपको दिखाने जा रही हूँ मावी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, जो कि सिर्फ केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए, आफ्टर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, प्रोटीन ट्रीटमेंट या फिर कलर ट्रीटेड हेयर में ये बहुत अच्छा शाइनिंग लाता है, वापस से हमारे हेयर को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल हेयर और डैमेज हेयर के लिए ये रामबाण है। तो चले देखते हैं रामबाण कितना बाण चलाता है इस हेयर पे और किस हद तक इस हेयर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छा रिजल्ट एक क्रिएट कर सकता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शैम्पू नहीं करना है, हेयर पूरी तरीके से ड्राई चाहिए, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले स्कैल्प में एप्लीकेशन करेंगे। तो स्कैल्प में एप्लीकेशन करने के लिए हमें स्कैल्प बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो फर्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे प्रोपोलिस हेयर स्क्रबर और साथ में स्कैल्प बूस्टर। तो स्क्रबर को हमने पूरी तरीके से बॉल में डाल दिया और इसके साथ हमें मिक्स करना है बूस्टर, स्कैल्प बूस्टर हम इसे कहते हैं। तो ये हमें 1:1 रेशियो, मतलब पूरा ही इसे निकाल लेना है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये देख सकते हैं ये जो स्कैल्प स्क्रबर है ये बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है ये। एज यूजुअल किसी भी ट्रीटमेंट से पहले हमें सेक्शन कर लेना है, तो पहले हम हेयर सेक्शन करेंगे एप्लीकेशन से पहले। तो फर्स्ट जो हमें एप्लीकेशन करना है, हमने पहले 4 पार्ट में सेक्शन ले लिया एज यूजुअल, जो कि हम किसी भी एप्लीकेशन से पहले लेंगे, फिर हमें सिर्फ स्कैल्प में अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन से क्या होने वाला है, हम क्यों कर रहे हैं ये अप्लाई, इसके एप्लीकेशन से हमारे स्कैल्प में जो भी गंदगी बैठे हुए रहते हैं, जिस गंदगी की वजह से ही डैंड्रफ क्रिएट होते हैं, तो ये सारा कुछ रिमूव कर देता है और क्लीन कर देता है। तो हम अगर लेंथ में कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें स्कैल्प क्लीन करना है, बिकॉज हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो स्कैल्प से होता है। लेकिन हेयर फॉल होने से पहले हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम पहले इसे स्कैल्प को क्लीन करेंगे। तो पूरी तरीके से एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इमल्सिफाई इन द सेंस हमें सिर्फ स्कैल्प में करना है, लेंथ में नहीं करना है अभी। तो हम फिलहाल स्कैल्प में इमल्सिफाई करेंगे 2 to 3 minutes, और अगर आपके हेयर में डैंड्रफ थोड़ा ज्यादा है तो आप 5 to 6 minutes इमल्सिफाई कर सकते हैं। तो इनके हेयर में 3 to 4 minutes हमने इमल्सिफाई किया। आफ्टर दैट अभी इसमें थोड़ा सा जस्ट हमने पानी स्प्रे किया, स्प्रे करके फिर से इसे वापस से हम अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे, ताकि जो भी स्क्रब और जो भी बूस्टर हमने इसके साथ में मिक्स करके अप्लाई किया है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इमल्सिफाई करने के बाद हमने पानी से बहुत अच्छे से स्प्रे करके हेयर वॉश कर लिया। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे शैम्पू, इमल्शन वॉश करेंगे। स्कैल्प ट्रीटमेंट हो गया, रूट पूरा क्लीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हेयर की कंडीशन देख सकते हैं ना,
ये पूरा नॉट पड़ चुका है हेयर में, क्योंकि हेयर काफी ड्राई है, हेयर से मॉइस्चर चला गया है, तो हमें वापस से हेयर को डिकंस्ट्रक्ट करना है, इसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ाना है। तो नेक्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे मिमिक माइक्रो कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या है जो हम इसे अप्लाई करेंगे, तो मैं बता दूं ये वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन है। नॉट ओनली प्रोटीन, इसमें ओवरऑल जितने भी विटामिन ए बी ग्रेपसीड ऑयल ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसे मिक्स करके इसे रेडी किया गया है, जो कि हमारे हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हेयर को एक शाइनिंग और स्मूदनिंग लुक बनाने में बहुत अच्छा एडवांटेज है ये। तो इसके साथ भी हमें कुछ मिक्स करना है, तो सबसे फर्स्ट हम मिक्स करेंगे मिमिक। इसे हमें पूरा निकाल देना है, मतलब अगर आप पे किसी भी एक हेयर पे कर रहे हो तो इसे पूरा ही हमें अप्लाई करना है, फिर इसके बाद हमें मिक्स करना है, इसके बाद हमें इस तरह से स्मैश करना है। वो घर पे किचन में स्मैश करते हैं ना हम लोग, बस उसी तरीके से अच्छे से स्मैश कर दो अच्छे से। बॉटल से उल्टे तरफ से ही कर सकते हो, अलग से कुछ इसके लिए आपको नहीं चाहिए। इसके बाद हमें जो अप्लाई करना है मैविक क्लॉक, इसके साथ हमने मिक्स किया क्लॉक, तो इसे पूरा निकाल लेना है, फिर इन दोनों को एक साथ मिक्स करना है। तो इसके साथ जो हम अप्लाई करेंगे, मतलब इसके साथ ही हमें मिक्स करके अप्लाई करना है, वो है सिरप। अब सिरप क्या है, इसका फंक्शन क्या है, बहुत यूनिक चीजें है ना कुछ, तो आपको मैं बता दूं। इसको हम इसलिए अप्लाई करेंगे कि हमारे हेयर में जो शाइनिंग चली गई है, तो उस शाइनिंग को ये और ज्यादा बढ़ाता है इसके साथ मिक्स करके अप्लाई करने के बाद, तो हम इसे कह सकते हैं शाइनिंग बूस्टर। तो इसे हमें पहले निकालने के लिए कुछ भी जो आपको सुविधा लगे उसे कवर करके इसे फिर हमें निकालना है। तो जैसा कि देख सकते हैं हेयर का जो रेस्ट ऑफ द लेंथ रह गया वो काफी ज्यादा ड्राई है, और देख सकते हैं बहुत ज्यादा ड्राई है क्योंकि हेयर में कलर भी किया गया है और पहले शायद इन्होंने केराटिन वगैरह भी करवाया था, तो केराटिन करने की वजह से नहीं ऐसा हुआ है एक्चुअली। केराटिन करने के बाद उसे टेक केयर नहीं लेने की वजह से ऐसी हालत हो जाती है, तो कोई बात नहीं, वैसे सुधार भी हो जाएगी अभी हालत में, तो रिजल्ट भी आप देख सकोगे फिर। तो एज यूजुअल फिर हम एप्लीकेशन से पहले सेक्शन लेंगे। हेयर सेक्शन करने के बाद हमें डिटैंगल नहीं करना है, हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे सिर्फ सेक्शन करने के बाद। तो ये हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया रेस्ट ऑफ द लेंथ में और इमल्सिफाई करके ही हम टैंगल फ्री करेंगे हेयर को। तो इमल्सिफाई की प्रोसेस आप अच्छे से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से करना है, फिर उसके बाद जब हम कॉम करेंगे तो बहुत इजीली ये टैंगल फ्री हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन लिया हमने, फर्स्ट सेक्शन में ये एप्लीकेशन किया विदाउट टैंगल फ्री हेयर, और एप्लीकेशन के बाद ही आप देख सकते हैं हेयर की एक शाइनिंग बढ़ गई है, हेयर में की मॉइस्चर लेवल बढ़ गई है, और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, धीरे धीरे देखो होता है क्या। तो अभी पूरी एप्लीकेशन देखो, उसके बाद फिर अपना फीडबैक भी मुझे बताना। तो इसी तरीके से हम पूरे हेयर में अप्लाई कर लेंगे। कंप्लीट हो चुका है, अब हम मसाज देंगे 5 to 10 मिनट्स। कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्लीन रैप करके इसे 10 टू 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखो निंजा टेक्निक फ्रोजन ब्रेड। तो ओवरऑल इनका टाइम अब कंप्लीट हो चुका है, 10 टू 15 मिनट्स हो चुका है। अब हम इसे रिंस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप देख सकते हैं ये स्टीम ऑटोमेटिक, ये स्टीम बॉडी टेम्परेचर की वजह से आ चुका है, हमने इसमें स्टीम का यूज नहीं किया। बेसिकली हम जब स्पा वगैरह करते हैं तो हेयर में स्टीम देते, लेकिन इसमें हमने स्टीम अप्लाई नहीं किया है, लेकिन विदाउट स्टीम आप देख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये खुद ब खुद क्रीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और ये स्टीम आप देख सकते हैं ये पूरा क्रीम एक्टिवेट हो गया, एक मॉइस्चर लेवल हमारे हेयर में ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से हेयर में जो है ये जनरेट हो चुका है। अब हम इसे रिंस ऑफ करेंगे, रिंस ऑफ करना है सिर्फ पानी से, शैम्पू अप्लाई नहीं करना है हमें। तो ये देख सकते हैं रिंस ऑफ से पहले
एप्लीकेशन के बाद जो हमने प्लेन रैप किया था और उसकी वजह से जो मॉइस्चर क्रिएट हुआ हमारे हेयर में, और रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी तक हमने हेयर वॉश नहीं किया, ड्राई नहीं किया, ये देखिए मॉइस्चर लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, हेयर की जितनी भी ड्राइनेस थी वो जा चुकी है। हेयर वॉश आप देख सकते हैं रिजल्ट, डैंड्रफ पूरा क्लीन हो चुका है, जो भी थोड़े बहुत डैंड्रफ थे इनके हेयर में वो भी क्लीन हो चुके हैं, और साथ ही साथ हेयर की ड्राइनेस पूरी जा चुकी है और मॉइस्चर लेवल काफी बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं जब हमने फर्स्ट में इनका हेयर दिखाया तो काफी ज्यादा ड्राई थे, और अभी देख सकते हैं कलर की भी शाइनिंग आ गई है विदाउट ब्लो ड्राई। तो विदाउट ब्लो ड्राई सेटिंग, ये नेचुरल हेयर सेटिंग है, ये सिर्फ हमने ब्लास्ट ड्राई किया है, ब्लो ड्राई नहीं किया है, और ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं बाकी इन्हें कैसा लगा ट्रीटमेंट, तो आइए इनकी फीडबैक भी हम ले लेते हैं। तो अब हमारे फ्रेंड्स के साथ अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो। सो बेसिकली मेरा जो ट्रीटमेंट कराया गया है इससे मुझे काफी फील हो रहा है कि मेरे हेयर में काफी स्मूथनेस आ गया है, और मेरा हेयर काफ़ी डैंड्रफ हो गया था जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो गया, मतलब पूरा चला गया है आप देख सकते हो जैसे कि, और मेरा हेयर भी काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब दैट आई कैन फील सो। एंड बाकी चीज़ों के लिए दीदी ज़्यादा, मतलब दीदी के दीदी पर आप भरोसा कर लो। एंड सेकंड मैं यही बोल सकती हूँ कि बोलने से अच्छा आप आओ और सर्विस लेके देखो, सो यू कैन फील कि हाँ क्या है सर्विस एंड ऑल। सो मुझसे ट्रस्ट करने से पहले आप आके खुद एक बार देख लो एंड देन यू मेक द फील बेटर। एक्चुअली वो फिर वापस पुणे जाने वाली है, तो कब जा रही हो पुणे ट्रीटमेंट लेने के बाद? हाँ ऑब्वियसली इस मंथ के एंड में वो वापस पुणे जाने वाली है। तो जितने दिन तक यहाँ पे थी इसने रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट वगैरह लिया। एक्चुअली हेयर काफ़ी ड्राई हो गया था, मैंने जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया है तो आप देख सकते हैं, और आफ्टर ट्रीटमेंट भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, और अपना फीलिंग तो इन्होंने शेयर कर ही दिया आपके साथ। अदरवाइज बाकी की वीडियो में आप सारा कुछ डिटेल्स देख लेना, बाकी सभी आए और आपके साथ। नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं भी आए तो वीडियो पूरा देख लीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि आज के डेट में जितने भी बीमारियां भी अपडेट हो गई है ना, तो टेक्नोलॉजी भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि हम लोग एक हेयर स्पा ले लो यार, काम चल जाएगा, हेयर थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बस दो दिन रहा फिर उसके बाद से तो वापस वैसे ही हो गया। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, और अभी जो है सिचुएशन वो ऐसा है कि बीमारियां अपडेट हो गई है, तो हमें वैसे ट्रीटमेंट भी अपडेट करना है, नई तरीके का ट्रीटमेंट देना है। ताकि पहले क्या होता था, सिर्फ स्कैल्प ट्रीटमेंट होता था, या फिर लेंथ में हम ट्रीटमेंट करते थे, या फिर स्पा करते थे, तो ये ऐसा होता था आपको अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पड़ते थे। लेकिन आज के डेट में ये जो ट्रीटमेंट मैंने दिखाया ये आप स्कैल्प और लेंथ दोनों में एक साथ ले सकते हैं, डैंड्रफ भी क्लीन कर लो और हेयर के मॉइस्चर लेवल भी बढ़ा लो, हेयर स्मूथ भी कर लो, एक नेचुरल लुक और बाउंसी लुक, क्योंकि हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं जिन्हें बाउंसी लुक ज्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है एक्चुअली, तो वैसा लुक आप एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो विद इन एन आवर। तो आई थिंक ये ट्रीटमेंट बेस्ट है मेरे ख्याल से और इनके ख्याल से भी। अब आपका क्या ख्याल है अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, अपना ख्याल क्या है आपका।